सुशासन बाबू, आपके माफिया राज को दुनिया ने देखा, भारत सरकार ने दुनिया में सबसे बड़े माफिया राजों का अम्बलदार बिहार की सत्ता को माना है। बलात्कार प्रकाश टापे, किडनैपिंग प्रकाश टापे, कोई सुरक्षित नहीं, कश्मीर से भी बुरी स्थिति। आप मस्त हैं क्योंकि अपराधियों के लगभग आधे पैसे आपके राज्यसभा सांसद और कई लोगों के पास जाते हैं, उनके द्वारा ट्रांसफर पोस्टिंग होती है, पैसों का नंगा नाच है। जाति सवाल नहीं है। गया में घटना घटी, आप अभी तक मौन, कौन है बोलो? कोई भी व्यक्ति हो, जाति धर्म मजहब कोई हो, अपराधी को जाति से नहीं आंका जा सकता, और अपराधियों के कारण किसी जाति को दोषी नहीं बनाया जा सकता। और लगातार आपके विधायक, आपके नाक के बाल बने हुए विधायक जो गर्व से कहते हैं कि मैं चार बार विधायक हूं, इन अपराधियों को तगमा लगा हुआ है, इसको गर्व होता है। मैं मानता हूं कि जाति अपने अपराधियों को, माफियाओं को, ताकतवर लोगों को ज्यादा प्रोटेक्ट करती है। इसका मतलब हम जाति को दोषी नहीं माने, जो गलत है गलत है। किसी भी कारण से विपक्ष के नेता कुछ ज्यादा ही उतावलेपन में आए, विरोध होना चाहिए निश्चित रूप से। मैं साथ सबसे पहला विरोध पप्पू यादव का हुआ। अपराध तो चरम पर है। गया में घटना घटी, विपक्ष के नेता मौन कहां थे? और भी जगह मर्डर हुए, विपक्ष के नेता कहां हैं? स्टेशन पर बच्चे मर जाते हैं, ट्रेन में लोग मर जाते हैं, क्वारंटाइन में वहां विपक्ष या अन्य लोगों की बारी नहीं आती। क्या हुआ पुट्टूस घटना? क्या दिया आपके फादर ने? और जब चुनाव की बारी आई तो जातीय तनाव पैदा करने की कोशिश सत्ता पक्ष और विपक्ष दोनों मिलकर कर रही। दोनों चाहता है जातीय तनाव पैदा हो, क्योंकि इसमें राजनीतिक उल्लू सीधा इन लोगों की हो सके। इन लोगों की जमीन समाप्त हो चुकी, इन लोगों के पास अपना कोई सेवा का, कोई न्याय का मतलब नहीं है। इन लोगों को संघर्ष से मतलब नहीं है, गरीबों से मतलब नहीं है, रोजगार से मतलब नहीं है, युवाओं से मतलब नहीं है। ऐसे ही उन्माद पैदा करके ये सत्ता में या कुर्सी पर बैठे रहना चाहते। नीतीश बाबू, आप कुछ भी कर लो, सुशासन बाबू याद रखना, कोई एक पावर है दुनिया में जो देख रहा, किस्मत के सार हो दोनों। पता नहीं आप जैसे पॉलिटिशियन ही सत्ता में और कुर्सी पर क्यों बैठते हैं, लेकिन जो बयान पुलिस को धमकी दी जा रही है आपके जदयू विधायक के गुंडों के द्वारा, जितना गोली तुम्हारे पास है उतना जेब में लेके चलते हैं, उतना पटाखे में फोड़ देते हैं, शायद उनको पता नहीं हिटलर और नेपोलियन, चंगेज खां, रावण, दुर्योधन, कृष्ण के पास मात्र 5 लोग थे, राम वनवास में थे। इतिहास लोकतंत्र का जो है वो जनतंत्र से है, जनता से बड़ी ताकत दुनिया में कुछ नहीं। सारी गोली और राइफल बंदूक धरी रह जाएगी। जनता की क्रांति दुनिया में सबसे
खतरनाक क्रांति होती है। जब पेट की भूख जगती है नीतीश बाबू और बेरोजगारी का आलम, और जब अपराधियों का तांडव इंसानियत पर होता है, निर्देशों पर होता है, तो फिर अपराधियों का घर जला के राख कर दिया जाता। ये गोली बहुत है, उसको समझाइए। अभी कोई और होता तो आप जेल भेज दिए होते, केस हो गया होता। ये कानून का राज है, ये सुशासन का राज है, समझाइए, अन्यथा जनता निकलने नहीं देगी। जनता से बड़ा कोई नहीं, जनता सबसे बड़ी ताकत है। जनता के सामने बारूद तो भी समाप्त हो जाते हैं। ये आजादी का इतिहास देखा गया, अंग्रेजों को भागना पड़ा, नक्सल समाप्त हुए, बड़ी से बड़ी ताकत मिट जाती है। इस अपराधी चुच्चे अपराधियों को कौन पूछे, 247 ने देख लिया कि औकात पर आ गया, आकाश चिट्ठी के तरह गिर जाएगा। अरे जब जनता की गुच्छी लगती है ना, तो हजारों लाखों 47 दफन हो जाते हैं। जितने लाभ के अपराधियों की औकात है ना, उतने एक एक लोगों के पास 47 56 पड़े हुए रहते हैं।